एक ओर जहां पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर वैश्विक महामारी से बचने तथा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। इसी क्रम में गोहरगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम विनयका में एक कपड़ा दुकानदार जो एक दो दिन से पुलिस से लुका छुपी का खेल खेल रहा था, पुलिस की गाड़ी आते ही दुकान की शटर दबाकर बंद कर देता था, तो वहीं जैसे ही पुलिस की गाड़ी जाती थी फिर शटर खोल देता था। जिसके चलते ही अभी यहाँ एक बड़ी कार्यवाही की गई है। विनयका के कपड़ा दुकानदार चतुर सिंह नायक को कपड़े की दुकान खोलते हुए मौके पर पकड़ा है और नियमों को जो ताक पर रख रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। थाना गोहरगंज अंतर्गत ग्राम विनयका में एक दो दिन से एक कपड़ा व्यापारी द्वारा लुक छिप कर दुकान खोलने की सूचना मिल रही थी, जो कि आज पुलिस टीम द्वारा गुप्त रूप से दबिश दी गई। तो उक्त व्यापारी अपनी कपड़ा दुकान खोले तथा भीड़भाड़ लगाते पाया गया, जबकि इस संकट की घड़ी इस कोरोना महामारी में संपूर्ण रायसेन जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है और उक्त व्यक्ति सभी नियमों को दरकिनार रखते हुए दुकान खोले हुए था, जो कि कपड़ा व्यापारी चतर सिंह नायक पर धारा 188, 269, 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि यह संकट की घड़ी है, कोरोना महामारी अपने चरम पर है और पुलिस तथा प्रशासन अपनी जान जोखिम में डालकर लगे हुए हैं। उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि शासन व कलेक्टर महोदय के नियमों को ताक पर रखते हुए उल्लंघन कर रहे हैं। इनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी तथा सभी आम नागरिकों व जनता से अपील है कि पुलिस व प्रशासन का इस वैश्विक महामारी के दौर में सहयोग करें, नियमों का पालन करें, अपने तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें।